거. नित्यानंद एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को भागवत कथा की पढ़ाई का सिलसिला पिछले कई पखवाड़े से चला आ रहा है। कांदिवली चारकोप स्थित नित्यानंद एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से यह प्रयास निरंतर जारी है। कुछ बच्चों से शुरू हुई इस क्लास में बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भागवत कथा के बारे में पढ़ाई यह सुनकर आपको थोड़ा अटपटा महसूस हो रहा होगा, लेकिन यहाँ जुड़े ट्रस्ट के पदाधिकारियों की माने तो हम बच्चों को आज के युग की भौतिक पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे बच्चे एक कंपटीशन के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान पुरातन से चला आ रहा है वह सिर्फ भागवत कथा की किताब में मौजूद है, जिसमें बच्चे भौतिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी कर पाते हैं, क्योंकि संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस स्कूल को चलाने की लागत वह अपने आपस के सहयोग से चला रहे हैं। यदि आप सभी भी भागवत कथा की प्रेरणा को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप भी इस बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। चारकोप के आसपास से जुड़े अभिभावक यदि अपने बच्चों को भागवत कथा ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को जरूर यहां भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए ट्रस्ट के अकाउंट नंबर के जरिए आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। समय नेशनल मुंबई। तस्मा तस्मा अर्थात तत्पश्चात, इदम इदम अर्थात यह, भागवतम भागवतम अतः भगवान की महिमा अथवा भगवत ज्ञान, पुराणम अतः उपवेद, दशलक्षणम इस दस विशिष्टियाएं। जो नारद जी के पिता है वह अपने पुत्र नारद जी से श्रीमद् भागवत कथा नामक उपवेद पुराण को कह के सुनाया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत ने श्री भगवान ने उनसे किया था और जो दस लक्षणों से युक्त है। इसका तात्पर्य यह है, यद्यपि चतुश्लोकी श्री भगवान श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह दस लक्षणों से संबंध था, जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। चार श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सुक्ति जन्मध्याय से होता है, यद्यपि जन्मधास्य शुभारंभ है तो भी जिन चार श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल में है, उसमें दस लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल चार श्लोक कहे थे, अतः शेष 1794 श्लोक व्यर्थ है। इन दस लक्षणों को तो बच्चों आज की भागवत क्लास में हमने जो श्लोक सीखा है, जो श्रवण किया है, वो हम दोबारा से एक बार दोहराएंगे, तो आप सब मेरे बात दोहराइएगा। श्लोक नंबर 44 चैप्टर नंबर 9, तस्मा इदं भागवतम, तस्मा इदं भागवतम, पुराणं दशलक्षणम, पुराणं दशलक्षणम, प्रोक्तं भगवता प्राह, प्रोक्तं भगवता प्राह। प्रोक्तं माने वर्णित, प्रोक्तं माने वर्णित, भगवता माने भगवान द्वारा, प्राह माने कहा, प्रीत माने संतुष्ट होकर, प्रीत माने संतुष्ट होकर, पुत्राय माने पुत्र से, और भूतकृत माने ब्रह्मांड के सृष्टा, ब्रह्मांड के सृष्टा माने कि भगवान ब्रह्मांड के जो कर्ता धर्ता है, सृष्टा जिन्होंने सृष्टि का रचना की है वो। तो इस अर्थ का, इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो यह है, अनुवाद में आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो दस लक्षणों से युक्त है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हम भागवत गीता का जो श्लोक है, भले हम उसे चार बार पढ़े, चार लाइंस में कहें,
चाहे हम उसे 4000 करोड़ बार बोले, 4000 करोड़ लाइन्स में बोले, लेकिन उसका जो अर्थ है वो यही, भागवत हमें यही सिखाता है कि हमें जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है हमें उससे जुड़ना है। और हम क्लास में जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक जो भागवत श्लोक का श्रवण किया है वो हमें आज एक बार फिर से स्मरण कराएंगे। तो आइए, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दति पावक, न चैनम खेदयन्त्यापो, न शोषयति मान्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंडित। कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीयो मन्मना मन्भक्तो मध्यं शिवं नमस्कर मामेव। यो मां जन्म नन्दि च वेति लोकमहेश्वरम् अस्ममणुं सन्त्येषु सर्व पापे प्रमोक्ष्यति। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। ऐसे भारतीयों के लिए भारतीयों का चम्मच चम्मच दो चम्मच अच्छे लोग चम्मच नहीं मैं ये श्री नित्यानंद एजुकेशनल ट्रस्ट का स्थापना हमने परम सद्धे हमारे गुरुदेव शील प्रभुपाद की फिलॉसफी के आधार पर किया है। शील प्रभुपाद जी ने जो बताया गया है, शील प्रभुपाद जी ने जो प्रचारित किया है कि जब तक इस भारत भूमि में भारतवर्ष में बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और बच्चे धर्म के बारे में ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक विश्व में भारत का डंका नहीं बजेगा और उसका किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो शील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए मार्ग के कारण हमने भी एक ये शिक्षा के लिए बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो भौतिकवादी शिक्षा दी जाती है उससे कोई भी कल्याण नहीं है और ये सारी शिक्षाएँ बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं आता है। केवल हमको मजदूर बनाने वाली अंग्रेजों की मैकाले पद्धति की शिक्षा दी जाती है। तो शील प्रभुपाद ने हमको मार्गदर्शन दिया है कि बच्चों को हम बचपन से ही जब तक धर्म की संस्कृति की शिक्षाएँ शिक्षा के साथ में प्रदान नहीं करेंगे तब तक इस विश्व का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हमने नित्यानंद एजुकेशन ट्रस्ट में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए गीता और भागवत की क्लास हम हफ्ते में एक बार आयोजित करते हैं, बाकी शिक्षाएं भी दी जाती हैं और बाकी दिनों में हम साथ साथ बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। हमारे धर्म ने हमको क्या बताया और बच्चों को क्या सीखना चाहिए, तो जैसा कि आज की हमारी क्लास में बच्चों को एक भागवत के श्लोक के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं, इस संसार के सृष्टा ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा भागवत धर्म का उपदेश मात्र 4 श्लोकों में दिया गया। तो इसमें ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ये बताया गया है, बच्चों को ये ज्ञान देना परम आवश्यक है कि हमारा ये भौतिक शरीर है ये कुछ भी नहीं है, हमारा जो आत्मिक शरीर है वो ही सब कुछ है। ये भौतिक शरीर केवल आत्मा के शरीर के ऊपर केवल एक चोला मात्र है और ये नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। गीता में बताया गया है कि आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र भेद सकता है, अच्छा न तो कोई शस्त्र भेद सकता है, न कोई जल उसको सुखा सकता है। तो इस आत्मा का जो अजर अमर रूप है उसका हमको बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शील प्रभुपाद का मूल जो तत्व है उन्होंने यही बताया है कि हमारा मनुष्य शरीर धारण करने को हमको ये ज्ञात करना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। और इस आत्मा का धर्म केवल भागवत और गीता है। इसको पढ़ने से, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये गीता जो सार तत्व है और हम लोग भारत में जिस गीता को अपना नहीं मानते हैं, भागवत गीता को पढ़ाने को हमारे यहाँ विरोध होता है सरकारों के द्वारा, लेकिन वही गीता
अमेरिका के स्कूलों में एमबीए की क्लासों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि गीता एक सार तत्व है, भगवान की वाणी है। तो बच्चों के लिए, क्योंकि हम भारत भूमि में प्रकट हुए हैं, बच्चों को पूर्ण ज्ञान देने के लिए हमारे नित्यानंद एजुकेशन ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा केवल रोजी रोटी कमाने का साधन देती है, लेकिन हमारा जो मनुष्य शरीर धारण करने का कारण है, जो कि आत्मा का तोषण करना है, वो आत्मा का तोषण करने के लिए हमको गीता और भागवत का हम ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए हम ये सबको बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी बंबई में रहने वाला कांदवली चार कोप कहीं भी है, अपने बच्चों को आत्मिक ज्ञान देना चाहता है, तो हमारे ट्रस्ट से संपर्क करे और अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करा के उनको भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहयोग करे। तो आज का जो श्लोक है ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, हो गया। आज का श्लोक बच्चों को पढ़ाएंगे तो माता जी आएंगी, वो श्लोक के बारे में पूरी व्याख्या करेंगी और बच्चों को शब्द से बताएंगी। ये हमारा नित्यानंद एजुकेशन ट्रस्ट पिछले 3 साल से ऐसे ही क्लासेस आमंत्रित कर रहा है और हमारे बच्चे, ये आपके चैनल पर दिखाया जाएगा, गीता का बिल्कुल सस्वर पाठ करते हैं, आयोजन करते हैं, गीता सीख रहे हैं और गीता हर चीज़ का समाधान है। अरे, हमको सोचना चाहिए कि इतना फॉरवर्ड जो देश है अमेरिका, उसमें एमबीए में पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चों को प्राइमरी क्लास से पढ़ाओ। बच्चे यदि गीता में निपुण हो जाएंगे तो वो एमबीए क्लास को भी टीचिंग कर सकते हैं। हर चीज़ का समाधान गीता और भागवत में दिया गया है। तो अतः हम सभी जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, बंबई में जो भी इस प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहे, उनको आमंत्रित करते हैं और अपने बच्चों को शुरू से ही बिल्कुल जो प्रभुपाद जी की मूल थ्योरी है कि बच्चे ही भगवान का स्वरूप हैं और वो जब सांस्कृतिक विद्या में निपुण होंगे तो वो भारत भूमि का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। हरे कृष्ण।